तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं कुलदरा। कुलदरा के बारे में कुछ दो शब्द बताओ आप। गाइस बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे मकान बने हुए हैं। और डर लगता है कि नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं। इसको नहीं लग रहा था, लेकिन हम डरा दिए थे रास्ते में ही। सबसे ज्यादा डरना मैं बताऊं किसको लगता है, ये जो शख्स दिख रहा है इसको बहुत ज्यादा डर लगता है। और दीपक मूंगफली का चपड़ा खा रहा है। तो बस हम एंट्री हो चुके हैं कुलदरा विलेज के। यहाँ तो यहाँ पे बिल्कुल राजस्थानी तरीके से देखो लिपा पोती और की है। इधर भी देख सकते हो मारने मारने जो भी अपने होते हैं राजस्थानी। तो देखते हैं अंदर जाके यहाँ पे क्या है मकान। तो इसके अंदर भी वही है जो पुराने घर होते थे, बहुत डरावने हैं भाई। तो ये एक कोठी है, तो चलो इसके अंदर जाते हैं। ये छोटी सी कोठी है और यहाँ अंधेरा अंधेरा बहुत ज्यादा। तो ये है एंट्री, पधारो हमारे देश। और इसे महल बोलते हैं यहाँ का, कुलदरा फोर्ट बोलते हैं इसको। अच्छा इनके सिर पे लग चुकी है वो कोटी के अंदर, क्या पता किसने मारी है, मैं तो ये पता नहीं चल रहा। चलो आगे चलते हैं अभी। तो फुल एंजॉय कर रहे हैं सब यहाँ पे। तो आरू को बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। चलो इधर की साइड चलते हैं, ये भैया हमारे को गाइड कर रहे हैं। तो भैया के साथ देखते हैं क्या क्या दिखाते हैं। ये है देखो यहाँ की सीढ़ियाँ, स्पेशल है कानू आराम से। तो यहाँ पे क्या है कि ये भूतों की ट्यून लगा रहे हैं ये अंजना जी और मोनू जी, दोनों डरा रहे हैं यार। आ जाओ, अभी हम महल के यहाँ पहुँच चुके हैं, इसे महल बोलते हैं यहाँ का कुलदरा महल। तो गए थे हम ऊपर की जगह पे आ चुके हैं और यहाँ से दिखाते हैं, ये जो जितने भी दिख रहे हैं ये सब घर थे पहले, लेकिन इन सबको खाली करके एक रात के अंदर चले गए थे लोग यहाँ पे शराब लगा के। और तो गाइस हमने ले लिया है कुछ खतरनाक जगह पे एंट्री, जो कि बिल्कुल वीरान है और बहुत तगड़ी जगह। तो अंदर जाके भी देखेंगे हम, देखें इनके अंदर क्या क्या है, कुछ है या भी नहीं है। तो गाइस अंदर चलते हैं, देखें अंदर क्या है। क्या है ये? तो गाइस ये देखो बिल्कुल मतलब बिल्कुल कुएं की तरह है। तो अंदर जाके देखे क्या अपन इसके अंदर एक बार? नहीं। तो एक बार चलने में फायदा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो, जब मिट्टी दिख रही होगी आप लोगों को ज्यादा, तो यहाँ पे लाओ ना अंदर चल के आए एक बार। तो ये फोटो शूट चल रहा है यहाँ पे इन लोगों का, सपना दी ब्लॉगिंग में बिजी है, तो चले इनको फोटो शूट करने देते हैं। तो हम दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं पास में ऑटोमेटिक। और देखो ये बोतल कहाँ, तो फेकर कहाँ है ये यार, क्या ही बोलूं। और अंदर चलते हैं, इधर वीरान जगह पे एक और, जहाँ तक नजर जाएगी ना मतलब इस पास पास के पूरे एरिया में ऐसे ही घर है ये। तो ये फोटो शूट करवा रहे हैं, तो ऑफिशियली फोटो शूट में अंदर क्या है, ये 100 रुपए पर फोटो चार्ज लेते हैं। दोबारा बनाओ देखो, ताकि नकल कर लियो, था ध्यान नहीं कौन चश्मा दी क्या उन्हें। आरू इधर खड़ी हुई है और लड्डू पेटी, तो इनकी फोटो में क्लिक करूंगा जस्ट इसके बाद। तो इनको खिंचाने के बाद में आरू की फोटो क्लिक करेंगे हम और पोस्ट करेंगे आज के आज। तो हम एक दूसरी जगह जा रहे हैं अभी, तो यहाँ पे भी एक ये वीरानी वीरान है, मतलब हर जगह वीरानी है अपने, मतलब डर सा लगता है कि जो चीज़ देखे ना उसके अंदर डर सा लगता है गाइस। तो ये देखो इधर पूरी दीवारें टूटी हुई है। और यहाँ की थोड़ी बहुत जानकारी मुझे जहाँ तक है कि यहाँ पे ऐसे बताते हैं कि 200 साल पुराना गाँव है, और यहाँ के जो राजा थे शासक थे जो भी थे, तो किसी से शादी करने के चक्कर में तो 84 गांवों की पंचायत जमा हुई थी, और उन्होंने फैसला किया था कि गांव को खाली करेंगे और शराब दिया था कि इस गांव में कभी भी कोई बस नहीं पाएगा, मतलब बसने का मतलब कोई रह नहीं पाएगा इस वजह से। तो बस यही थी कहानी, और हमें तो कुछ ऐसा लगा नहीं है। बाकी लोकेशन बहुत प्यारी है, अगर कभी आओ तो ऐसे डरना मत किसी चीज़ से, ऐसा कोई इशू नहीं है यहाँ पे। वो तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो नेचुरली हो जाती है, जिनको लोग बाग भूत प्रेत बता देते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ लिखी हुई है, अगर आप लोग जानकारी के लिए ये चीज़ें पढ़ सकते हो तो पॉज करके पढ़ सकते हो वीडियो को। लोक कथाओं के अनुसार कुलदरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था, जो कि पाली के क्षेत्र से थे। तो ये पूरी चीज़ आप ही कवर कर लेना, मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आपको बोरिंग लगेगा।
तो अभी चलते हैं हम वापस। और यही थी इधर की कहानी, बावड़ी वगैरह देखते हैं अगर मिल जाती है तो हमें। बाकी गाइड करने वाले भैया बाहर चले गए इस वजह से हमें पता नहीं चला। तो अब निकल रहे हैं हम। आरू हेलो। हाँ हेलो। मेरे बिना इतनी देर इधर थी ये गाइस, इसको सी लग रहा था, सी लग रहा था, नेचुरली बात ही है, सी लग रहा था इसको। तो बैठते हैं थार में और चलते हैं, और वापस हम चल रहे हैं जैसलमेर तो नहीं चल रहे, टेंट हाउस में चल रहे हैं। तो टेंटों में चलते हैं अभी, और वहीं कुछ खाना पीना होगा हमारा, तो वो कुछ खाएंगे पियेंगे और वहीं पे। तो हम पहुंच गए हैं भैया के घर, मुख्तियार भाई के घर, मुख्तियार भाई के घर, जो भैया ने हमारे को मतलब घर जैसा रखा है एक तरीके से, फैमिली की तरह फुल सपोर्ट कर रहे हैं। कल से हमारे साथ ही हैं, और दोनों तीनों भैया बहुत अच्छे हैं। जो सफारी वाले भैया थे वो भी इनके बड़े भैया थे। ये भतीजा, तो ये पानी और ये भतीजा इनका भी बहुत अच्छा है। फैमिली भाई बहुत अच्छे हैं यार। कभी हमारी तरफ आएंगे तो इनको बढ़िया से मतलब फुल माहौल के साथ जरूर आना। हाँ बिल्कुल, आपको घुमाएंगे, जरूर आएंगे। हाँ तो मुख्तियार भाई अभी चाय मंगवा रहे हैं हमारे लिए, तो मम्मी जी चाय बना रहे हैं, तो ये तो बहुत सेवा कर ली इन्होंने तो भाई खूब। तो यहाँ पे क्या है कि एक चीज देखने को मिलेगी, पानी सिर्फ बोतल पे मिलता है, इनकी मम्मी ने ये बिस्तर क्रिएट किए हैं मतलब बनाए, और इसकी थोड़ी तबीयत ऐसी हो रही है तो इसको टेबलेट दी हमने। तो शाम डल चुकी है और हमारा जाने का टाइम हो चुका है अभी। भैया की जान पहचान की जगह जाएंगे हम। और भैया अपनी होटल का क्या नाम था? होटल गोल्डन गढ़ जैसलमेर। गोल्डन गढ़ जैसलमेर, तो ये जस्ट नीचे ही पोर्ट के पास में ही है, पोर्ट के कॉर्नर में, बिल्कुल कॉर्नर में, रिंग रोड। तो कभी भी संपर्क कर लेना भाई से, बहुत अच्छे इंसान है भाई, बहुत अच्छे। तो हमारी खूब अच्छे से मतलब प्रॉपरली अच्छी सेवा कर ली। और आरू और आर, तो कैसा लगा इनके घर पे आके आपको? भाई बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बिहेव इनका, हमारे को चाय नाश्ता भी करवा दिया इन्होंने। भैया ने खूब अच्छे से, तो चलते हैं अभी। और भैया से बात हो गई है तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं अभी। तो अभी हमारी एंट्री हो रही है। आजा दीपू, तो अभी ये भी डांस कर रहे हैं इनके साथ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम। और अभी मॉर्निंग हो चुकी है और हम यहाँ से सब कुछ तैयार करके, सब पैकिंग वैकिंग करके अब निकल रहे हैं। एक गाड़ी एक हमारी इधर है और एक गाड़ी ये रही हमारी, तो अब निकलते हैं हम। और अब डायरेक्ट यहाँ से चलेंगे जैसलमेर, और वहीं पे कुछ खाएंगे पियेंगे और वहाँ से निकलेंगे फिर हम बहुत अच्छी लोकेशन पे। और ये ऑरेंज वगैरह खा रहे हैं। हेलो आरू, आरू राम राम, राम 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 राम, सोनिया राम राम, राम राम। सर क्या भरा हुआ था? तो मुख्तियार भाई मिल चुके हैं मॉर्निंग टाइम। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो? मॉर्निंग, बस बढ़िया। चलें जैसलमेर। कैसा रहा आपका? तो हम आ चुके हैं कुछ नाश्ता करने के लिए, तो यहाँ से हम बनवा रहे हैं बेलपुरी। और हमारे साथ ये दो कैंडिडेट है, जीजा जी और दीपक और ये लड़का। तो हम आ चुके हैं झील के पास, और झील के पास हम बनवा रहे हैं मैगी, तो अभी मैगी खाएंगे हम। जीजा जी बोर्डिंग में पोना भेड़ हो गए, इसका मतलब ये पागल हो चुके हैं। बच्चों के लिए सादा मैगी, बच्चों के लिए सादा मैगी, ज्यादा ही तीखे भेलपुरी बनाती थी अभी तक भी ऐसे कर रहा था। तो मैगी बन के रेडी हो चुकी थी और खा भी गए हम, उसके बाद व्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि खाने के अंदर ज्यादा देर हो जाती है व्लॉग बनाते। तो पानी की बोतल भी लेनी है, क्योंकि इधर कभी पानी वानी मिलता नहीं है, सिर्फ बोतल ही मिलती है। तो अभी सोनिया फोटो वोटो क्लिक करवा रही है। ये पवन दीदी है, यहाँ पे रहते हैं जैसलमेर में, तो ये सपना दी की फ्रेंड है। बाड़मेर से जैसलमेर आ चुके हैं, और जैसलमेर में इनका दूसरा हाउस भी है। तो हम अभी घूम के आ चुके हैं। हाँ तो अभी हम घूम रहे हैं और मजे किए, खूब मजे किए हमने। और आरू गिर गई है, आरू गिर गई है, तो चलो चलते हैं, बाहर निकलते हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं नाव से और दीदी के साथ घूम के, बहुत अच्छा लगा। दीदी का भी चैनल, यूट्यूब चैनल, किस नाम से आपका चैनल? पवन राजस्थानी। पवन राजस्थानी से, तो ये भी ब्लॉग बनाते हैं, तो एक बार सर्च करना जरूर और सपोर्ट करना। तो चलो चलते हैं आगे, और आगे का देखते हैं, कुछ प्लान होता है तो कभी भी आना, और इन भाई से जरूर मिलना, बहुत अच्छे इंसान है यार, बहुत अच्छा व्यवहार है भाई का।
तो ये भैया मिले हैं सोनिया की वीडियोस देखते हैं, तो इनका फोटो क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस जो मेरी सोनिया ने टैटू यहीं से बनवाया था जैसलमेर से, हम मजाक उड़ा रहे हैं सोनिया की, तो गुस्सा रहे इसको। बाकी ये जयपुर से, तो ये दीदी बोल रहे हैं कि कुछ खरीदारी करते हैं, कुछ पसंद करो दीदी की तरफ से। दीदी बोल रहे हैं कि पसंद करो आप। तो ये दीदी बहुत अच्छे हैं और इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हमने तो फर्स्ट टाइम मिले दीदी से। तो हम पहुंच चुके हैं अभी रेस्टोरेंट और ये लोग बैठे हैं आराम कर रहे हैं। और ये और मोनू जी थोड़ा डुल गए थे इधर उधर, डुल गए थे तो हम ढूंढ ढूंढा के ले गए, डुल गए थे तो इनका वीडियो बना देते हैं एक अच्छा सा हम। और मुख्तियार भाई भी आ चुके हैं उधर है, वो तो उनसे मिलाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो भाई चाय बन के रेडी हो चुकी है और अभी हम चाय पियेंगे और चाय पी लेते हैं अभी। तो चलो गाइस, हाँ तो इन भाई की वजह से हम मुख्तियार भाई से मिले थे। तो भाई धन्यवाद यार, बहुत अच्छे इंसान से मिलवाए आप हमें। और अब हम निकलने का टाइम हो चुका है तो मुख्तियार भाई के बिल्कुल बिल्कुल चलो चलते हैं, हम गाड़ी में बैठते हैं। आरुख कितना रेटिंग दोगे इनको? 5 में से बिल्कुल 5 है ना, बहुत अच्छा व्यवहार है। तो भैया का ये जा रहे हैं हमारे आर्मी के जवान हमारे देश के साथ। तो अभी हम भरा रहे हैं डीजल गाड़ी में और इसके बाद हम निकलने वाले हैं रामदेवरा के लिए। और ये लोग मुझे काम चलाते रहते हैं पूरे दिन। और ये भी ये बोल रही है कि ये पानी की बोतल भर के लाओ। नहीं जा रही हूँ, जा रही हूँ। तो हमने फुल करवा लिया। स्कैनर कहाँ है भैया? तो स्कैनर इधर की साइड में है, तो उसको स्कैन करके पेमेंट डाल देते हैं हम। तो गाइस अभी हम पहुँच गए हैं रामदेवरा मंदिर के पास और यहाँ से हम प्रसाद वगैरह लेंगे। और इस गाड़ी को पार्किंग लगा दी हमने इधर, तो चलो चलते हैं अभी। तो गाइस हम पहुंच गए हैं बाबा के मंदिर के पास और हमने ले लिए प्रसाद। और अब हम जा रहे हैं पैदल पैदल, सपना दीदी मोनू जी और मैं और आरू आगे जा चुकी है। तो वो कुछ ना कुछ खरीदारी करने की कोशिश करेगी आगे गई लड्डू के साथ। हम पहुंचने वाले हैं बाबा के मंदिर और मेन गेट पे और हमारे लोग आ रहे हैं पीछे सब के सब। तो बाबा के मंदिर पहुँच गए हम फाइनली। पहली बार आया हूँ मैं रामदेवरा, फर्स्ट टाइम। तो ये बाबा का मंदिर है। गाइस हम जाके आ चुके हैं लेकिन अंदर का वीडियो नहीं बनाया, बाकी यहाँ से मंदिर दिखा सकता हूँ मैं। चलो चलते हैं अभी, ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे हम। तो गाइस यहाँ का मार्केट बहुत ही सुंदर है और हर चीज़ मिलती है यहाँ पे, खाने पीने की मतलब अपने को हर चीज़, चूड़ी वगैरह, बाबा की तस्वीर वगैरह, सिंदूर वगैरह सब है यहाँ। दीपक हम दोनों तो निकल चुके हैं, वो लोग पीछे आ रहे हैं अभी। तो गाइस हमने बहुत प्यारी चीज़ देखी थी इधर की साइड में, देखो ये दुकान में मतलब बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन की चीज़ें थी। और भी आरू और तो पता नहीं क्या क्या ले रही है, वो देखना सामने है। चलो चलते हैं उधर एक बार आरू की तरफ। क्या क्या ले रहे हो, कुछ पसंद आया क्या? तो ये पसंद आया इनको, तो ये लोग खा रहे हैं यहाँ पे कचौड़ी। तो मन भैया कैसी लगी कचौड़ी? तो गाइस अभी तक इनकी शॉपिंग खत्म नहीं हो रही है, यहाँ से 99 सेल के अंदर घुस चुके हैं ये लोग, तबाही मचा रहे हैं यहाँ पे। तो बारू देखते हैं क्या क्या लेते हैं यहाँ से, हर चीज 99 में भैया के। तो देखते हैं क्या क्या लेते हैं ये। तो फाइनली हम रुक चुके हैं थोड़ी देर चाय के लिए, जीजाजी को बुला रहे हैं, भाई चाय पी लो। जीजाजी का मन की बात सुन ली इसलिए हमने गाड़ी रोक दी। तो हम दोनों उतर चुके हैं और सोनिया आरू भी आ रही है और ये तपने लग गए यहाँ आके भी। तो गाइस जब वहाँ से नाश्ता वगैरह करके हम बहुत ही स्पेशल जगह आए हैं जो कि मेरी इच्छा थी आने की, हम आए हैं ओम बना के। तो चलो दर्शन कराते हैं बन्ना जी के आपको, ओम बना। तो वो तो सोनिया और आरू तो आगे गई है तो उनके दर्शन कराते हैं हम।
गाइस हम आ चुके हैं और ये है बाबा की गाड़ी और ये है बाबा का मंदिर, बहुत ही प्यारा। तो डोक लगा देते हैं और सबका आशीर्वाद बना रहे बाबा का। तो आरू ने भी दर्शन कर लिए बाबा के और इसकी भी बहुत इच्छा थी आरू की भी आने की। क्यों आरू? हम क्या है कि कहानी में सुना करते थे बाबा के बारे में, लेकिन ओम बना जो इनके दर्शन करना मतलब मेरा सपना था। मैं इनकी कहानी सुना था बहुत पहले, जब से ही सपना था मेरा। और बाबा की बाइक भी दिखाते हैं, मोटरसाइकिल जो इनकी बुलेट थी। तो गाइस ये थी बाबा की बुलेट गाड़ी, बहुत पुरानी है भाई। तो अभी बाबा की परिक्रमा विक्रमा कर रहे हैं हम, परिक्रमा। चलो बाबा का बहुत मतलब यार बहुत आशीर्वाद रहता है, मतलब सब मानते हैं बाबा को बहुत अच्छे से, बाबा का खूब आशीर्वाद है सब पे। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है 9:57, जो कि देख सकते हो आप घड़ी के अंदर 9:57, और बाबा का द्वार हम ओपन रहता है यहाँ पे। तो गाइस हम यहाँ पे क्या है बाबा के यहाँ पे क्या है सर आप वगैरह जो भी हैं तो वो चढ़ते हैं, तो हम लेके आए थे बाबा के लिए। हाँ जाओ ना जाते हो। तो गाइस यहाँ पे बाबा के चढ़ा दिया हमने प्रसाद वगैरह, बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। नाइट के टाइम भी ये दृश्य है। अभी भी देखना टाइम कितना हो रहा है, मैं बताता हूँ आपको। 10:04 और मोनो भी और थोड़ा पीछे रह गए थे तो अभी आ गए। तो गाइस देखो ये जो पेड़ है ना, शायद यहाँ एक्सीडेंट हुआ था बाबा का, और मंदिर वहाँ पे है और यहाँ एक्सीडेंट हुआ था। तो यहाँ भी क्या मन्नत मांगते हैं लोग, तो ये धागा वागा बांधते हैं। और हमारी गाड़ी यहीं पे खड़ी है, तो गाड़ी की तरफ चलते हैं। अभी सर्दी बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ज़्यादा, और हम नंगे पैर ही घूम रहे हैं अभी यहाँ पे। और शायद मेरी चप्पल भी उधर ही रह गई, तो चप्पल लेके आनी पड़ेगी। पहले तो मैं चप्पल भूल गया हूँ। तो गाइस अभी हम रुक चुके हैं एक ढाबे पे और अभी टाइम हो रहा है 11:22, और अभी खाना खाएंगे। बहुत ठंड लग रही है। तो यहाँ पे हमने सब्जी मंगवाई थी सेव भाजी दूध में, तो ये आ चुकी है और खाली भी कर दी हमने, ठंडी हो जाएगी। लेकिन अभी तक रोटी नहीं आई है हमारी उधर से, तो हम रुके हैं एक बहुत ही बेस्ट ढाबे पे। और ढाबे से बेस्ट खाना नहीं होता है, चाहे 5-स्टार होटल पे चले जाओ आप लोग, 5-स्टार से बेस्ट खाना यहाँ का होता है, इस वजह से यहाँ रुके हैं। तो गाइस हम खाना वाना खा के फ्री हो चुके हैं, बस अब निकलेंगे यहाँ पे, थोड़ी देर पक तपा रहे हैं हम और फिर निकलेंगे हम। तो गाइस अभी मॉर्निंग के बजे हैं 4 और हम जा रहे हैं अभी। कोहरा हो रहा है बहुत, पिछले 2 घंटे से कोहरे में फंसे हुए हैं। 2 घंटे से पास की चीज भी नहीं दिख रही थी, अब जाके थोड़ा बहुत वो आए, फिर भी हम इतना क्लियर नहीं दिख रहा, दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा चलाने में। ये देख सकते हैं आंखें दर्द करने लग गई, इतनी इतना फोकस करके देखना पड़ रहा है। और ये देखो अभी भी देवली है हमारे से इतने किलोमीटर के लिए, और कोहरा देख सकते हो आप आगे। तो गाइस अभी हम पी रहे हैं चाय, वो भी किसकी होटल पे पी रहे हैं हम यार, भाई की होटल पे। तो भाई ने चाय बनवा दी गर्मा गर्म, इनकी होटल है तो अभी चाय पीने में फ़ायदा है। और यहाँ पे नीचे तप जल रहा है, तो तप से तपेंगे हम थोड़ी देर। तो वो हमारे सामने कोहरा ही कोहरा और हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। और अभी वो डायलॉग याद आ रहा है, अभी एक डायलॉग याद आ रहा है, लेकिन वो मैं शेयर नहीं करूँगा। और ये चाय पी के सो चुकी है और ये बैठी हुई है आराम से। एक पैरा ग्लाइडिंग वाला वीडियो किसी को याद हो तो कमेंट ना ही करे तो अच्छा है गाइस, जिसको याद हो बस यस कह देना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो हम घर पहुंच चुके हैं और नेक्स्ट वाले व्लॉग में मिलाएंगे हम मम्मी पापा से, और हम अभी आराम करेंगे। और आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है, तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।